सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के मीर टोला चौक स्थित एक 75 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर के आगे के रास्ता विवाद को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के मिठूलाल अमीर टोला चौकी स्थित पंचर दुकान चलाने वाले मिठूलाल यादव कुली निवासी लक्ष्मी प्रसाद यादव की अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे घर के सामने रास्ते का विवाद बताया जा रहा है। मृतक के पुत्र सुरेश यादव व सुरेंद्र यादव उर्फ कारी यादव व पुत्र वधू रीना देवी व षष्ठी कला देवी समेत परिजनों ने बताया कि मृतक का सालों से रास्ता विवाद को लेकर पड़ोस के ही रहने वाले गोपाल पंडित, शंकर पंडित, पंकज पंडित, मुकेश पंडित, राजेश पंडित, मदन पंडित, श्याम पंडित, रवि पंडित, मिथिलेश पंडित, गहलू पंडित, मोनू पंडित ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया है। इधर हत्या की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में लगी हुई है। बोलिए, क्या है मामला? हम लोग सुबह से घर पे थे सर, अपने जमीन में बाउंड्री दे रहे थे। सवेर में 8:15 बजे पता चला, जो दुकान नहीं खुला हुआ, यहाँ आके देखे तो इनका मर्डर हुआ था। इस सोची समझी घटना है, इस पे प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्या शंका लग रहा है? ये सोची समझी विरोधी के द्वारा मर्डर किया गया। क्या लग रहा है, जमीनी विवाद है कुछ? क्या? हाँ, किससे विवाद चल रहा है? गोपाल पंडित वगैरह। क्या नाम है मृतक का? मृतक का लक्ष्मी यादव। कितना उम्र हुआ था? उम्र वही 62-63 साल। आपका क्या नाम है? घनश्याम यादव। कौन है आपके? मेरे बड़े पापा। ये कहाँ की घटना है? क्या बोले, कहाँ की घटना है? ये मीट टोला वार्ड नंबर 7 का घटना है, यादव टोला। 100 बरस दुकान पर सुते रहे, रास्ता पे रख दुश्मन सब बिना आवे रहे, खाना पीना खा के जाए रहे। उ सब ना धमकी दे रहे, दिखा देंगे तुम लोग को दिखा देंगे। वो रात में नहीं ले खाए, ले खाने मंगाए लन के पोता खाना खिया के 10 बजे रात में ये ले 10 बजे रात में ले पोता खिया के सबटा खेलकर पिलकर सब घरों में सुत रहे, वो दुकान पर सुत रहे। फिर घटना पता केना चल रहा? घटना पता सुबह न फिर गले देखे ले तो बाहर से ताला मारल है, ताला के तोड़ल के देखल के काटल फाटल मारल के मारल।